जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज की यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहने वाली है जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में कि किन क्राइटेरियाज को फुलफिल करने के बाद आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कि कितनी बार आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट की कि कितने ईयर के बीच में आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा हम क्वालिफिकेशंस की भी बात करेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए, क्योंकि ये हर स्टूडेंट का एक कॉमन डाउट रहता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए। तो दोस्तों जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए वो चाहिए ग्रेजुएशन का। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएट का क्या इंडस्ट्रेंस हुआ कि आप चाहे साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएट हों, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएट हों, चाहे आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से ग्रेजुएट हों, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, बट आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ये तो बात हो गई क्वालिफिकेशंस की। ये दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की, इसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी आप कर सकते हैं, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन की चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं एज लिमिट की, किन एज के बीच में आप इस यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए हर कैटेगरी के लिए एज लिमिट जो है वो डिफरेंट रहने वाली है। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए जो स्टूडेंट है उनके लिए एज लिमिट डिफरेंट रहेगी, ओबीसी कैटेगरी के एस्पिरेंट के लिए जो एज लिमिट रहेगी वो दूसरी रहेगी, एससी एसटी कैटेगरी के जो एस्पिरेंट है उनके लिए एज लिमिट दूसरी रहेगी। तो चलिए बात करते हैं जनरल कैटेगरी के जो एस्पिरेंट है उनके लिए एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो दोस्तों जो भी एस्पिरेंट जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए जो एज लिमिट रहने वाली है वो रहने वाली 21 साल से 32 साल तक, मतलब आप 21 ईयर से लेकर 32 ईयर तक इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो ये तो बात हुई जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट के लिए। अब अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी के एस्पिरेंट के लिए तो उनके लिए जो एज लिमिट रहने वाली है वो रहने वाली 21 साल से 35 साल तक, मतलब आप 21 ईयर से लेकर 35 ईयर के बीच में इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर बात करें एससी एसटी कैटेगरी के एस्पिरेंट की तो उनके लिए जो एज लिमिट रहने वाली है वो रहने वाली 21 साल से 37 साल तक, मतलब आप 21 ईयर से लेकर 37 ईयर के बीच में इस एग्जाम को दे सकते हैं। यहाँ दोस्तों जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एस्पिरेंट के लिए सेम एज लिमिट रहने वाली है 21 साल से 32 साल तक, तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से नहीं खोजेंगे, उनके लिए भी जनरल कैटेगरी के जो एस्पिरेंट हैं वही वाली एज लिमिट रहने वाली है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि जनरल कैटेगरी के जो एस्पिरेंट उनके लिए क्या एज लिमिट है, ओबीसी कैटेगरी के जो एस्पिरेंट उनके लिए क्या एज लिमिट है, एससी एसटी कैटेगरी के जो एस्पिरेंट उनके लिए क्या एज लिमिट है। अब हम बात करते हैं कि जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या एज लिमिट रहने वाली है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट फिजिकली डिसेबल्ड हैं वो जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उस कैटेगरी के 10 साल और एक्स्ट्रा कर ले अपनी एज लिमिट, मतलब मैक्सिमम जो एज है उससे 10 साल और एक्स्ट्रा मान लें। जैसे कि जनरल कैटेगरी जो एस्पिरेंट होने के लिए जो एज लिमिट है 21 से 32 साल तक है, तो मैक्सिमम वाले में 10 साल और ऐड कर लीजिए, मतलब 32 नहीं आप 42 साल तक एग्जाम दे सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी जो एस्पिरेंट है उनके लिए मैक्सिमम जो है 35 ईयर है, तो उनके लिए जो है 45 ईयर हो जाएगा जो फिजिकली डिसेबल्ड होंगे। और दोस्तों जो एससी एसटी कैटेगरी के अंदर एस्पिरेंट आते हैं उनके लिए जो एज लिमिट रहेगी वो रहेगी जो है 37 साल तक यहाँ पे थी, तो वहाँ पर उनको 47 साल तक मिले, मतलब 47 ईयर तक उस एग्जाम को दे सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई जनरल कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी की, एससी एसटी कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और फिजिकली डिसेबल्ड जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो एज आपकी कैलकुलेट होगी वो आपकी 1 अगस्त से कैलकुलेट होगी, मतलब आप जिस भी ईयर में एग्जाम देना चाहते हैं उस ईयर में जो 1 अगस्त आने वाला होगा उस तारीख से आपकी जो एज होगी वो कैलकुलेट होगी। मतलब जैसे कि आप प्रीलिम्स का फॉर्म जो है फरवरी मार्च में आ जाता है तो उसमें भरते हैं, तो उस टाइम जो है आपका उस टाइम से नहीं एज कैलकुलेट होगा, 1 अगस्त से कैलकुलेट होगा। जैसे कि जो लोग 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनकी जो एज कैलकुलेट होगी वो होगी 1 अगस्त 2024 से। तो दोस्तों ये तो बात हो गई क्वालिफिकेशंस की, एज लिमिट की। अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, कितने बार आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो आप अगर जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप 6 टाइम इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप 9 टाइम इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपके लिए कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं रखा गया है, आप अपनी एज लिमिट के बीच में जितनी बार चाहें उस उतनी बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं फिक्स है, आपकी एज लिमिट जो है उसके बीच में आप जितनी बार चाहें उतनी बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये तो बात हो गई जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए वही जनरल वाला सेम है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 अटेम्प्ट है, ये तो सेम है। अब हम बात करें फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए, तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए 9 अटेम्प्ट्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए 9 अटेम्प्ट्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 9 अटेम्प्ट, मतलब जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो होंगे 9 होंगे अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो। और जो भी कैंडिडेट एससी एसटी कैटेगरी के आते हैं फिजिकली डिसेबल्ड उनके लिए जो है अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है टिल एज लिमिट। हमने यहाँ पे देख लिया क्वालिफिकेशन,
एज लिमिट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अब भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।